ये बच्चा बच्चे का कहना है कि वो पानी पीए, उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है। आप देख लो सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है, उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, ना पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी डकैती और लूटमार, इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी मेरे महंत रहते रहते, 4 बार डकैती पड़ी, आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए, और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए, ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज एक हम लोग यहां पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहां आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहां आए, मेरी मां की जो शास्त्रीय सनातन विधि है मां की और महादेव की, उससे पूजा करें, मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूं। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं, हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहां पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहां ओबीसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारी 20 एफआईआर हैं, हमारे यहां पंचायत करके मुसलमानों ने ये कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर बीएस तोमर को मारा पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कहते हैं, झूठी घटना।